तो चलिए अब चलते ऊपर, देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई देखिए आज मैं कहाँ पर आया हूँ, ये है द ट्रेंड साइड तड़का। तो ये यहाँ पर नया रेस्टोरेंट खुला है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है ये द ट्रैक साइड तड़का। यहाँ की भाई स्पेशलिटी पता है क्या है, यहाँ पर एक ट्रेन वाला फील आता है, पूरी की पूरी ट्रेन की बॉगी यहाँ पे उठा के भाई रखी हुई है, उसी के अंदर रेस्टोरेंट का पूरा बना दिया है, रेस्टोरेंट जैसा अंदर पूरा सेटअप और सीटिंग अरेंजमेंट उस बॉगी के अंदर ही है, तो एक ट्रेन वाला फील आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये आपको दिखाना चाहिए ज़रूर। यहाँ पे एक बार ओपनिंग होने वाली थी, तो कोई बात नहीं भाई, तब नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, अब आ गए। चलिए चलेंगे तड़का के अंदर और आपको सब दिखाएंगे। तो भाई देखिए, जहाँ तक एड्रेस की बात, तो एड्रेस के लिए आपको जो कार्ड है यहाँ का, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो उसी में प्रॉपर एड्रेस भी लिखा हुआ है और उसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें एड्रेस उसी में सब लिखा है डिटेल्स। तो एक बार आप पॉज करके अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ एड्रेस, ये विकास फार्मेसी, विकास मेडिकल जो है उसके सामने बिल्कुल आता है ये रेस्टोरेंट, एस्ट्रॉन चौक अंडर ब्रिज के पास, अमीन मार्ग कॉर्नर पर। तो भाई देखिए मैंने आपको बता दिया एड्रेस, अब चलिए चलते हैं अंदर। देखिए ये है मेन एंट्रेंस, आइए चलते हैं अंदर। तो देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर आने के बाद, जो एक व्यू है पहले जो अंदर आने के बाद जो आता है वो एक बार देख लीजिए। तो भाई देखिए मस्त व्यू आ रहा है, मैं इसीलिए आपको अंदर का भी ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, देख लीजिए मजेदार लुक यहाँ पर देखिए आ रहा है। तो व्लॉग को भाई एंड तक देखना, तभी आपको देखिए मजा आएगा, क्योंकि तभी आपको सारी डिटेल यहाँ पे पता चलेगी। यहाँ पे मैं अंदर मेन्यू भी दिखाने वाला हूँ इस रेस्टोरेंट का, जैसे आपको फूड का भी आइडिया है, तो सारी चीजें दिखाने वाला हूँ डिटेल में, तो एंड तक व्लॉग को देखना। तो भाई देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद भाई ये एरिया पहले देखिए आता है, तो दिस इज जस्ट वेटिंग एरिया, तो एक वेटिंग एरिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, आइए आपको जो मेन लोकेशन है वहाँ तक भी अभी लेकर जाता हूँ, जो मैंने आपको कहा ट्रेन वाला। तो वीडियो को एंड तक देखना, व्लॉग को एंड तक देखना, तभी आपको मजा आएगा। चलिए आइए चलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप चाहते हैं फूड यहाँ पर एंजॉय करना तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट एक बार देख लीजिए। फिर आइए आगे देखिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, फिर आप यहाँ पे आप चलते जाते हैं आगे, तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक देखिए बहुत ही अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट मुझे देखने को मिल रही है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। और यहाँ पर देखिए उस तरफ देखिए वो वाली ट्रेन है जिसकी मैं देखिए बात कर रहा था आपसे, ये रही देखिए वो ट्रेन, और इसके अंदर पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये पूरी बॉगी है ट्रेन की और इसके अंदर ही है। दिखाएंगे पहले ये देख लीजिए, और यहाँ पर जो मेरे को एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है, हाइजीन मेंटेन्ड है और बढ़िया। तो भाई देखिए आपको अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे जंक्शन फ्लेवर पोस्टी पॉक्स और यहाँ पर एक्सप्रेसिव, तो यहाँ पर एक पॉक्सटेल का है, दूसरा यहाँ पर साउथ इंडियन का है, और थर्ड यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। और
जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो मैंने आपको दिखाई दी है। आपका जहाँ पे मन लगे, आपको जहाँ पे मजा आए, उस जगह पे आप जाके अपने फूड को एंजॉय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ऊपर भी चलूँगा, एक बार आप उधर आप दिखाएं, वहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे टेरिस रेस्टोरेंट भी है, तो हम वो भी हम देखेंगे ऊपर जाके। और उसके बाद जो मेन हमारा जो अट्रैक्शन है यहाँ का जो ये है ट्रेन, वो भी हम देखेंगे। चलिए अब चलते हैं, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। देखिए इधर भी स्टेयरकेस है, इधर भी स्टेयरकेस है, दोनों साइड स्टेयरकेस है। अब चलिए चलते हैं ऊपर आइए। तो बिल्कुल भाई देखिए मैं अभी जैसे चढ़ रहा हूँ, और यहाँ से देखिए आप लोग भी एक बार देखिए ग्लास अंदर, तो वैसा ही फील आ रहा है कि जैसे किसी ट्रेन में चढ़ने जा रहा हूँ। सही में वैसा ही फील आ रहा है जैसे किसी ट्रेन में जा रहा हूँ, और ट्रेन में जाते वक्त जैसा लगता है वैसे ही लग रहा है। ये देखिए ये सब जो हैंडल वैंडल है वो भाई रियल ही है सब, मतलब पूरी एक तरह से रियल ट्रेन ही है ये। तो यहाँ पे देखिए गेट है वैसा ही सेम जैसा होता है वैसा ही है सेम टू सेम। तो चलिए आइए अंदर एक बार, और लुक आपकी देखिए भाई वाह यार कमाल का देखिए लुक आ रहा है मुझे यार। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, प्रीमियम वाला फील आ रहा है भाई, मस्त लुक आ रहा है। एक बार पहले लुक देख लीजिए। और अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और इस वीडियो को अभी और भी देखिए, एंड तक देखिए। अभी हम फूड भी यहाँ का टेस्ट करेंगे, उसका भी रिव्यू देंगे, आपको मेन्यू भी दिखाएंगे, और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए आप जो पीछे ही आप देख रहे हैं ये किचन एरिया है, यहाँ पर ही फूड पूरा प्रिपेयर होता है, पूरा कुक होता है यहाँ पे फूड, फिर यहाँ से वो आते हैं और यहाँ पर पूरा आपको ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। ये देखिए तो यहाँ पर मैं जो सीट पर बैठा हुआ है पूरी जो अच्छी कम्फर्टेबल मतलब जो सीट है वो लग रही है, और जैसी कि चेयर कार में होती है, जो चेयर कार होता है जो अपने ट्रेन्स में वैसा आ रहा है फील। और यहाँ पर ये देखिए लैंप है, बहुत ही सही है भाई, लाइट्स प्रॉपर हैं, क्लीनिनेस यहाँ पे प्रॉपर है, तो हाइजीन भी प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अब जो फूड है तो फूड के बारे में अभी हम आपको बिल्कुल वो भी आपको दिखाएंगे और उसका एक बार रिव्यू भी दे देंगे। तो भाई देखिए मैं आपको किचन एरिया भी एक बार अंदर से उसका जो पूरा लुक है वो आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए सामने आप जो देख रहे हैं यही है किचन एरिया, तो चलिए आइए चलते हैं अंदर। तो ये देखिए ये है किचन एरिया, यहाँ पर सारा कुछ हमारा जो प्रिपेयर होता है, और आपको यहाँ पर आइए अंदर आइए होगा तो आपको प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पर, देखिए और एक प्रॉपरली जो हाइजीन है वो यहाँ पर मेंटेन करी जाती है, क्लीनिनेस वो प्रॉपर मेंटेन है। तो आपको पूरा उसके लिए आप निश्चिंत आप हो जाए कि यहाँ पर कोई भी आपका हाइजीनिक इशूज आए बिल्कुल नहीं आएंगे, प्रॉपर है। आप एक बार लुक आप देख सकते हैं, तो भाई देखिए आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, प्रॉपर एयर कंडीशन भी यहाँ पर है तो वो भी कोई इशू नहीं है, बहुत ही सही बात है ये। और बाकी मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत ही सही है। अब हम आपको जो फूड का रिव्यू है वो भी अभी दे देते हैं। तो ये भाई हमने एक स्लो मोशन शॉट लेने की कोशिश वहां पर की, एक स्लो मो शॉट हमने लिया, वीडियो शॉट, और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है स्लो मोशन में जो हैंड मूवमेंट्स हैं, और जो पूरा लोकेशन का एक अलग ही वाइब आता है जब आप स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आपको ये स्लो मोशन वाला शॉट कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए।
तो ये रहा देखिए यहाँ का मेन्यू और यहाँ पर क्या क्या फूड मिलता है इसमें लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पॉज करके आप एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। तो भाई देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी ट्रैवल करने आप कहीं जाते हो, किसी सफ़र पे आप जाते हो, बहुत समय हो गया नहीं गए सफ़र पे, है ना, और छोटे में गए हो बहुत बार सफ़र में, फिर एक लॉन्ग गैप हो गया है या सफ़र में जाने में, तो आपको अगर ट्रेन का फील लेना है तो वो ट्रेन का फील जो पूरा का पूरा है वो आपको यहाँ पर आपको मिल सकता है, यहाँ पर अगर आप आते हैं, क्योंकि ये पूरी एक बॉगी है ट्रेन की, तो ट्रेन में जो लोग बैठते हैं आराम से सीट पे, खाते पीते हैं, जो खाने का आनंद है ट्रेन में बैठ के खाने का, वो प्योर जो फन है वो आपको, वो फन एलिमेंट यहाँ पे आपको फील होगा। तो मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और एक फील लें ट्रेन का, ट्रेन में खाने का जो फील होता है उसको आप ज़रूर। तो भाई मैंने देखिए ऑर्डर करा है चाइनीज़ भेल, तो चाइनीज़ भेल जो है वो मैं आपको यहाँ पर खुद उसे ईट करूँगा, आपको रिव्यू दूँगा कि कैसा है, तो वेट करिए वीडियो को एंड तक देखिए और आपको एक प्रॉपर रिव्यू मिलेगा। बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें देखिए दिखा दी हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा था, और प्लस चीज़ आपको और देखिए दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से तो ये देखिए जैसे ये सीट है और यहाँ पर देखिए हम ऐसे बैठे हुए हैं, तो प्योर देखिए वही वाला भाई फील आ रहा है कि ये देखो ट्रेन है और ट्रेन में बैठे हैं, तो वही फील आता है पूरा, और इसीलिए तो यही तो खासियत है, स्पेशलिटी है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, एंजॉय करें, राजकोट में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप ज़रूर आइए। अगर आप कहीं बाहर किसी सिटी से राजकोट आ रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़, फॉर एनी पर्पज़, तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ पर आके आपको मज़ा आपको आ जाएगा। तो देखिए भाई जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने ऑर्डर तो हमने दिया है यहाँ पर चाइनीज़ भेल का, पर अभी हम वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेलकम ड्रिंक और यहाँ पर ये कुछ स्टार्टर है जो कि आप एंजॉय आप कर सकते हैं यहाँ पर चटनी के साथ, तो चलिए वो भी एक बार आप उसका भी एक बार रिव्यू मैं दे देता हूँ। जो है बहुत सही है स्टार्टर जो है, और ये वेलकम ड्रिंक, एक तरह से यहाँ पे मैं कहूँगा नींबू मतलब लेमन थोड़ा सा है और थोड़ी सी मिठास है, तो जो नींबू पानी है भाई तो मज़ेदार है। तो भाई देखिए आ चुकी है हमारी चाइनीज़ भेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका लुक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई चाइनीज़ भेल, तो एक बार आप देखिए पहले एक लुक देखिए। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर कहूँगा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी है, एक अच्छा लुक देती है, और इसे टेस्ट भी अभी हम करेंगे, टेस्ट करने के बाद अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टेस्ट करने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आप एक बार लुक आप देख लीजिए, तो देखिए देख सकते हैं भाई आ चुकी है हमारी जो चाइनीज़ भेल है जो कि मैंने ऑर्डर करा था, तो चलिए अब इसे मैं टेस्ट करता हूँ और आपको रिव्यू देता हूँ। तो भाई बहुत सही है, मज़ेदार टेस्ट है, जो यहाँ पर चाइनीज़ भेल है उसका जो यहाँ पर वेजिटेबल्स है उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, यहाँ पर मैं कॉर्न देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ऑनियन है, गाजर है और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स है विद नूडल्स, नूडल्स जो हैं
उसकी जो क्रंचीनेस है वो अभी भी मेंटेन्ड और बहुत ही सही फील कर रही है जब मैं उसे खा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं राजकोट सिटी में या आप राजकोट सिटी में ही रहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए, यहाँ का फूड आप ज़रूर आप ट्राई करिए, बेस्ट है, अच्छा है। तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पूरा जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये कैफ़े एरिया है, पर अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, पर विद इन शॉर्ट टाइम ये भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे टेरिस रेस्टोरेंट है, अभी हम चलते हैं आपको ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे यहाँ पर स्टेयर केस है और यहीं से हम अभी ऊपर चढ़ेंगे और आपको टेरिस रेस्टोरेंट दिखाते हैं। आइए तो देखिए अब टेरिस रेस्टोरेंट पे हम जा रहे हैं भाई, और टेरिस रेस्टोरेंट का जो मेन जो होता है फ़ायदा कि अगर आपको ओपन स्काई में फूड खाना पसंद है, आपको ओपन स्काई पसंद है, आपको नहीं चाहिए कि आप एक कंजेस्टेड जगह पर बैठ के आप खाएं, आपको ओपन स्काई में फील आता है, तो टेरिस रेस्टोरेंट वही लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है एक बार आप देख लीजिए टेरिस रेस्टोरेंट। ये देखिए भाई ये है ओवरव्यू टेरिस रेस्टोरेंट का, जो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे टेरिस रेस्टोरेंट की वो भी भाई कमाल की है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। साइड में जो लैंप्स यहाँ पे जल रहे हैं वो एक अलग ही फील देते हैं, येलो कलर के लैंप्स, जो मूड है जो माहौल है जो पूरा टेरिस रेस्टोरेंट का उसको वो और एनलाइटन करते हैं जो ये लैंप्स है। टेरिस रेस्टोरेंट के ऊपर से जो पूरे एरिया का व्यू आता है वो मैं दिखाने की आपको यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आता है भाई टेरिस रेस्टोरेंट से, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो पूरा जो एरिया है पूरा जो रेस्टोरेंट है उसका एक बेहद कमाल का दृश्य हमें देखने को मिलता है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट है उसी के बगल में असली ट्रेन भी भाई जा रही है, देख लीजिए। तो भाई देखिए आपको व्यू मिलेगा, ये अभी मैंने आपको जो नीचे दिखाया था वो कैफे वाला एरिया है और वो हम वहाँ से देखिए एंटर हुए थे, वहाँ पे एंट्रेंस है और वहाँ पर एक छोटा सा चिल्ड्रेन पार्क भी है जो आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो वो वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर वो खटिया यहाँ पर देखिए रखी हुई है, तो पहले समय में गाँव गाँव में जो होती थी विलेज में खटिया, तो वो खटिया यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप फूड यहाँ पे आप ना खाएं, मतलब गपशप लड़ा खाली ऐसे ही बातचीत आपको करनी है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको बैठना है, थोड़ा हैंग आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर खटिया है और जो पहले के समय में होती थी वैसी ही है और बहुत ही सही है भाई, क्योंकि कंफर्टेबल भी है। तो अगर आपने जैसी आप बैठना चाहते हैं थोड़ी देर फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ, खाना वाना खा लिया है बैठना है थोड़ी देर बातचीत करनी है, तो उसके लिए बहुत ही सही चीज़ है। तो भाई देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये वाला जो एरिया है ये बाद में यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप हो रहा है। यहाँ पर अगर किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है, केक कटिंग सेरेमनी है या ऐसी कुछ ओकेजन है तो वो यहाँ पर सेलिब्रेट हो पाए उसकी ये एरिया है यहाँ। तो भाई ये था देखिए आपके सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट जो का ट्रैक साइड, और मज़ा आया होगा आपको भी, होप करता हूँ इस ब्लॉग को देखने में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ब्लॉग को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो फूड था भाई वो मैं बिल्कुल कहूँगा पूरे दिल से, ये मुझे लगा यहाँ पे कि फूड सही में बहुत ही अच्छा था, तो एक बार आप ट्राई करिए देखिए। इसीलिए मैंने घर के लिए भी फूड पैक करवा लिया है क्योंकि भाई इतना अच्छा था। तो जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, और
बाय बाय, फिर मिलूंगा अगली किसी लोकेशन पर, बाय बाय।